गौरव भाई ने बहुत ज़्यादा टीका थी कि उसके खिलाफ वो करता नहीं। जब जनता खुद देखेगी, जनता फैसला तो जो बोलती है वो सबको दिख रहा है। अगर कोई ऐसी बात है, मेरे संज्ञान में किसी ने एक बार दूसरे आदमी से अपराधी करती है, अगर ऐसी कोई बात है मैं इसकी थोड़ी घोर निंदा करता हूँ। ऐसा काम आपस में नहीं करना चाहिए। हमें समाज, अच्छे समाज का निर्माण करना है और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। तो उसके कार्य करता है तो मान लिया कोई छोटी मोटी गलती कर भी देता है तो उसको बड़े आदमी का काम होता है कि नहीं, आरोप पर मेरे को लगाने वाला है ही नहीं और ना लगा सकता। राजनीतिक तौर से मैंने कभी इलेक्शन की घोषणा नहीं की, तो मैंने इसलिए गाँव के लोगों के बीच में कहा था अगर गाँव चाहता है लड़ना तो लड़ेंगे, गाँव नहीं चाहता तो। और गाँव ने आप सब ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से फैसला किया गाँव ने, और कई हजार आदमी आप देख सकते हो उसमें। तो मेरे हुआ क्यों, मुझे तो समय बताएगा। ये भी बड़ी बात है, मैं ये नहीं कहता क्या हुआ, लेकिन वो समय बताएगा। वरिष्ठ समाज से भी राजवीर दहिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। गोहाना विधानसभा से कहते हैं कि चुनाव लड़ने का ऐलान बहुत लोग करते हैं, लेकिन राजवीर सिंह दहिया जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं गोहाना विधानसभा से। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि पिछले कई सालों से गोहाना से जुड़े हुए हैं और गोहाना के लिए काम कर रहे हैं। दहिया साहब बहुत स्वागत है आपका भी और आपके दर्शकों का भी मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। यह सब दो तीन बड़ी चीज़ें हुई हैं। दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा गोहाना के अंदर से निकली और बड़ा गुस्सा फूटा है लोगों में कि विधायक जो है जगबीर मलिक, उन्होंने गोहाना के लिए काम नहीं किया, गोहाना का भट्ठा बिठा दिया। क्या कहना? नहीं, यात्रा निकली दीपेंद्र की, उसका हम भी स्वागत करते हैं। अच्छा, दीपेंद्र को यात्रा निकालनी चाहिए, तो कोई बात नहीं, तो हमारा भी ये चीज़ है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है जो आप स्थानीय विधायक के बारे में बात कर रहे हो, तो गौरव भाई ने बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी उसके खिलाफ कोई करता नहीं। जब जनता खुद देखेगी, जनता फैसला करेगी और जनता को पता भी है भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा मैं उसके खिलाफ कहना, क्योंकि आप भी उसी हल्के से आते हो, आप भी उसी शहर में रहते हो, तो जनता जो बोलती है वो सबको दिख रहा है। कुछ कार्यकर्ता तो ऐसे फूट फूट के रोए हैं कि जगबीर मलिक के घर से हमें हाथ पकड़ के निकाला गया, और वो भी ऐसे समय पे जब उनके बड़े भाई की डेथ हुई थी। अंतिम दर्शनों के लिए जो लोग आए थे, मतलब राजनीतिक खुंदस वहाँ पर बढ़ती गई। नहीं देखो, मैं अगर कोई ऐसी बात हुई मेरे संज्ञान में किसी ने एक बार दूसरे आदमी को जिसने थोड़ा जिक्र किया, अगर ऐसी कोई बात है मैं इसकी तो थोड़ी घोर निंदा करता हूँ। ऐसा काम आपस में नहीं करना चाहिए। हमें एक समाज, अच्छे समाज का निर्माण करना है और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। वो तो उसके कार्य करता है तो मान लिया कोई छोटी मोटी गलती कर भी देता है तो उसको बड़े आदमी का काम होता है कि इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना। बड़े आदमी को ज़्यादा रिएक्शन अच्छा नहीं होता। आपने गोहाना को बड़े करीब से देखा है, महसूस किया है, क्या लगता है आपको गोहाना का वो विकास हुआ जो होना चाहिए? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि देखो, इस राज में जो ये 10 साल का राज गया है, इसमें तो हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन मैं तो पिछले हमारे हुड्डा साहब का रन ओवर थी, 2 रन उनको मिली 5-5 साल में, तो मोटा मोटी इश्यूज़ में जो चीज़ें होनी चाहिए थी, मैंने पहले भी आपको बताया है कि भाई वो चीज़ें जो हमें डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो प्रॉपर हमारी नहीं हो पाई। आपका गाँव भटगाँव, भटगाँव में बहुत बड़ी पंचायत होती है, उसमें सर्वसम्मति से फैसले लिए जाते हैं कि वो आपका साथ देंगे। नहीं, वो तो पंचायत जो कल हुई है मेरे गांव में पंचायत, और उसमें मेरे को भी बुलाया गया है। और मैं जब गोहाना गांव में बैठा था किसी मौके पे, तो वहाँ मेरे पास फ़ोन किया उन्होंने, भाई आप लेट हो गए। पहले भी मेरे पास 2 दिन पहले इतला दी, भाई आपको गाँव में पंचायत होगी, उसमें आपको आना है। और पंचायत हुई, पंचायत में जो फैसला लिया वो इसलिए करना पड़ा कि एक दिन मैंने अपने गाँव में कह दिया कि भाई कुछ लोग ये कहते हैं, और तो मेरे खिलाफ कुछ मिलता नहीं बोलने को, क्योंकि मैं आरोप पर मेरे को लगाने वाला है ही नहीं और ना लगा सकता। तो मैंने कह दिया था, कुछ लोग ये चर्चा चलाते थे जो मेरे विरोधी है खासतौर से, कि भाई इसके ना गांव में लोग नहीं इसके साथ। मैंने वैसे ही मजाक में गाँव में एक कह दिया, गाँव के लोग पूरा पंचायत धरते हैं, फैसला कर देते हैं, भाई क्या होगा। तो कल वो पंचायत रखी, वो पंचायत जो रखी उसका सीन मैंने तो अपने जीवन में मैंने बहुत पोलिटिकल लोगों के साथ मतलब काम किया, मैंने हुड्डा साहब के साथ भी काम किया, मैंने दीपेंद्र के चुनाव भी संभाले, मैंने बहुत लंबा संघर्ष किया हमने कांग्रेस में। और कभी कभी जैसे जो बड़े लोग होते थे, चौधरी देवलाल हैं और हम उनके भी जलसे उनसे थोड़े बहुत हम देख लेते थे, ऐसा नहीं हम नहीं देखते थे। स्टूडेंट लाइफ में भी शौक था हमारे को उस चीज़ का। मैंने ऐसी पंचायत अपने जीवन में कभी नहीं देखी कि जहाँ लोग खुद ही आ रहे हैं, खुद ही सामान दे रहे हैं। मेरे को बुला भी लिया वहाँ जगह कम पड़ गई, दूसरी जगह बदल गई। मैंने ऐसी सुव्यवस्थित पंचायत कि मुझे ये भी नहीं पता लगा कि माँ के खड़ा हुआ था, मैंने कैसे सेकंड हो गए, इतनी देर में पंचायत जीत। और आप उसकी वीडियो वो आप भी देखो, आपको अगर जरूरत हो ना हो तो मैं भेज दूँगा आपके पास। मतलब ऐसा सिस्टम और ऐसी पंचायत किसी किसी गाँव में, और फैसला तो सबके बीच में हो। तो मैंने तो बल्कि गाँव में ये भी कह दिया था कि भाई अगर गांव की कोई वो हो तो मैं कोई आज तक मैंने चुनाव शुरू नहीं किया। मैंने अपने गांव में भी एक ही बात कही, मैं सामाजिक कार्य करता रहा हूँ पिछले बहुत सालों से, 35-40 साल से, और मैं राजनीतिक तौर से मैंने कभी इलेक्शन की घोषणा नहीं की थी। तो मैंने इसलिए गांव के लोगों के बीच में कहा था कि अगर गाँव चाहता है लड़ना तो लड़ेंगे, गाँव नहीं चाहता तो नहीं लड़ेंगे। और गाँव ने आप सब ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से फैसला किया गाँव ने, और कई हज़ार आदमी आप देख सकते हो उसमें। ये बताओ, आपने जब फैसला किया गोहाना से चुनाव लड़ने का और सारी चीज़ें होंगी ये तय हो गया, तो आपने ये क्यों नहीं किया कि भाई मैं बीजेपी से टिकट मांगू, मैं कांग्रेस से टिकट मांगू, जब आपके सब जगह अच्छे संबंध हैं? नहीं, टिकट तो मुझे आप एक बात बताओ भाई, जब हरियाणा प्रदेश में किसी की सरकार ही नहीं बन रही, सरकार हमारे से बन रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अगर मान लिया जो इस इलाके के लोग कहते हैं मुख्यमंत्री बनेगा, तो जब हम जीत जाएंगे हमारी वोट से बनेगा। तो पक्का भरोसा सरकार किसी की बने, राजवीर दहिया किंग मेकर होंगे या किंग होंगे तो समय बताएगा। मैं इस बात को ये भी बड़ी बात है, मैं ये नहीं कहता क्या होगा, लेकिन वो समय बताएगा। लोग आपके दफ्तर में पहुंचते हैं, आ रहे हैं, कुछ महसूस हो रहा है, लोग जुड़ना चाहते हैं, गोहाना की जनता क्या तीसरे विकल्प के रूप में तलाश कर रही है? तीसरा विकल्प ही नहीं, गोहाना की जनता के पास विकल्प ही सिंगल है। तो बीजेपी और बड़ी पार्टी है, वो आप देखना, बड़ी पार्टियों से लोग कितने थक चुके हैं। ये जो 10 साल का लोगों ने राज देखा है, इससे पिछला भी जो 20 साल का गोहाना हल्के ने जो लंबा ये झेला है सिस्टम, कितने लंबी 20 साल से क्या क्या हो रहा है गोहाना में, क्या नहीं हुआ, कितना फंड्स आया गवर्नमेंट का, कितना लगा, कितना मिसयूज हुआ, कितना नहीं मंगाया गया, कितना PWD का सड़कों का फंड आया, कितना गलियों के लिए, कहाँ कहाँ वो लगा है, शहर के लिए कितना आया। तो वो सब बातें आजकल अनपढ़ लोग थोड़ा है, और भाई मेरे की तरह अनपढ़ थोड़ा है लोग एक सेकंड में क्लिक करते हैं, ऑनलाइन निकलता है सारा रिकॉर्ड। आजकल सबके घरों में पढ़े लिखे बच्चे, सबके हाथों में फ़ोन है, एक मिनट में पता लगता है। वो झूठ साच की राजनीति खत्म हो चुकी है, जनता बड़ी जागरूक है। आपने कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए बूथ भी संभाले हैं? बहुत बार संभाले हैं, कभी क्या कार्यालय भी संभाले हैं, बहुत संभाले, कोई दिक्कत हो रहा है उस बात की। तो जब आप कांग्रेस में थे तब जगबीर मलिक भी कांग्रेस में होंगे, कभी नहीं? जगबीर मलिक उस टाइम कांग्रेस में नहीं थे कभी। जगबीर मलिक तो जब बाई इलेक्शन आया उससे बहुत थोड़े दिन पहले हमारे पास आए थे, गोहाना का बाई इलेक्शन आया उससे थोड़े दिन पहले कांग्रेस में आए थे। उसका कांग्रेस में कभी उसने कोई सक्रिय भागीदारी उसकी कभी नहीं रही, वो तो बाई चांस बिल्ली के भागा तो छिक्का टूट जाए, वो छिक्का टूट रहा है। और ये गोहाने की जनता ने जो 20 साल जैसे निकाले हैं वो सब जानते हैं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, और ऊपर के लोग भी जानते हैं, ऐसा नहीं वो नहीं जानते। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, विधायक जी की सेहत ठीक रहे, बढ़िया स्वस्थ रहे, उसका वो आमने सामने चुनाव लड़े, बड़ी अच्छी बात है, इसमें क्या चुनाव लड़े। त्रिकोणीय मुकाबला हो जाता है, आप किस तरह से मानते हैं चीज़ें? देखो अरुण भाई, फैसला जनता ने करना है, और मैं जनता का आदमी, मैं समाज का आदमी, और मेरा मानना ये है टिकट लेकर भी जनता के बीच में जाना है और बगैर टिकट भी जनता के बीच में जाना है। और आज जो प्रदेश हरियाणा प्रदेश के जो राजनीतिक हालात हैं उसमें मैं फिर आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि किसी की सरकार बनेगी। और मुझे नहीं, आप किसी साधारण आदमी से जो बिल्कुल बेचारा गांव में आपको मिलेगा, या जो मतलब एक जिसको हम लेमैन कह देते हैं, उससे आप पूछ के देखो, हर आदमी ये कहता है कि सरकार तो मतलब छोंक लाना पड़ेगा। देसी भाषा मेरे को लोग कहते हैं भाई छोंकना पड़ेगा बात, मतलब मेरे को खुद कहते हैं बोला छोंक चाहिए सरकार ने, कोई सी आई छोंक चाहिए। तो छोंक निर्दलीय का लगा और किसका लगा, जब बढ़ रहेंगे निर्दलीय और किसका अच्छा, गोहाना के अंदर ना क्राइम बड़ा बड़ा है, मतलब सरेआम फिरौती मांग ली जाती है। हमारी भी बात होती है, व्यापारियों से बात होती है, दुकानदारों से बात होती है, एक अजीब से बहका माहौल में है लोग, और वो चाहते हैं कि हम वो कंफ्यूज हैं किस तरह की सरकार हमें चाहिए। बीजेपी आश्वासन देती लेकिन अब बीजेपी की सरकार थी भरोसा हुआ नहीं। कांग्रेस की सरकार है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि खुद जो है मौजूदा विधायक हैं उसके चर्चे ऐसे हैं कि वो खुद ही कह देते हैं कि तुमने मेरी वोट दी थी मैं तेरी मदद करूँ। नहीं देखो, विधायक सभी का होता है, इस बार में चुना जाता है तो देश का मुख्यमंत्री हमारे सिंह वो सब का है, ऐसे ही एमएलए का होता है जिस इलाके से आप एमएलए में चुने जाते हो तो वो सब क्या आप एमएलए हो। और जहाँ तक बात है क्राइम की, मैं पहले भी जब क्राइम की बात आई जब फरोती मांगी की गोहाने में मैं सबसे आगे लगा रहा, और मैं आप मेरी जो है ना कभी पिछली भी जैसे मैंने कोई चीज़ें उठा के देखो, मैंने हमेशा गलत लोगों के मैं खिलाफ रहा और मैं बड़ा सख्ती से पेश आता हूँ, मेरी अपनी आदत है। और मैं गोहाना के लोगों को एक बात और कहता हूँ कि भाई आप एक बार साथ दो, आप दरवाजे खोल के सोना, मतलब मैं जो स्थानीय विधायक उसकी तरह काम नहीं करूँगा। या तो आप लोगों को बढ़िया सुरक्षा सब चीज़ें मिलेंगी या फिर हम सरकार से दूर हो जाएंगे। एक बात आपने कही, मैं मौजूदा विधायक की तरह काम नहीं करूँगा, कमी उनके काम नहीं, कमी ये है ना जैसे आप कह रहे हो भाई वो तो नहीं संभालते, लोगों के बीच में नहीं आते भाई। ये तो कांग्रेस के खुद वर्कर ही कह रहे थे, कल बात कर रहे थे ना जिस तरह से उन्होंने बड़ी एक अजीब सी बात कही, वर्कर्स ने कह रहे हैं कि हमारे विधायक को तो ये विरास नहीं आता कि हम दीपेंद्र सिंह हुड्डा से मिल के आते हैं और एक सेल्फी खींच लें, तो कह रहे हैं कि कोठी में चीज़ें पसंद नहीं की जाती। हाँ नहीं चलो देखो, उनकी अपनी कार्यशैली है कि भाई वो सीधा मिलना या दीपेंद्र हुड्डा साहब के परिवार से लोगों का सीधा जुड़ना उनको नापसंद है, वो तो एक उनकी अपनी कार्यशैली, उसमें मैं क्या कह सकता हूँ, वो तो उनको अपनी पसंद है, सबकी अपनी पसंद है। भाई हम तो जब उनके साथ थे हम तो लोगों को सीधा जोड़ते थे, तो उनको कोई ना कोई अपना खतरा होगा इस बात का, कोई ना कोई उनको अपनी राजनीतिक कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये दिखाई देता होगा लेकिन खतरे में आ जाए तो लोग सीधे जुड़ने लग जाएंगे, तो अभी सारे कैंडिडेट हो जाएंगे, टिकटें मांगेंगे और तरह की बात होगी, तो उनको अपना थोड़ा बहुत खतरा दिखाई देता होगा। अच्छा एक तो चिंता नहीं है आपको कि भैया हमें टिकट लेनी किसी की ना, तो फिर किस तरह से आगे की रणनीति है? देखो मैंने तो किसी पार्टी में टिकट अप्लाई नहीं किया, मैंने किसी भी पार्टी में टिकट अप्लाई नहीं किया, और मैंने आज तक मैंने एक दिन पहले भी बताई थी मैं केवल और केवल कांग्रेस का सदस्य हूँ अपनी लाइफ में, मैंने कभी दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं करी, भले ही बीजेपी वाले मेरे पास आते रहे जाते रहे, सीएम भी मेरे घर आके बैठ गए, मैंने आज तक 10 रुपये की सदस्यता किसी पार्टी की सिवाय कांग्रेस रिकॉर्ड पर है, किसी के पास हो तो कोई ना। तो आगे की रणनीति किस तरह से रहेगी अब चुनाव लड़ने की, क्योंकि चुनाव की तारीख चुनाव लड़ रहे हैं, जनता लड़ेगी, जनता मेरे साथ खड़ी है। आपने भटगाँव की कल पंचायत देख ली, शनिवार से परसों से डोर टू डोर शुरू कर रहा हूँ, गांव में जाऊँगा और वो भाई आगे देख लेना क्या हालात हैं, गाँव की जनता क्या चाहती है, लोग क्या चाहते हैं, शहर की जनता क्या चाहती है। शहर के लोगों को आपको पता भी होगा, मैं हर दुख सुख में शहर में भी खड़ा रहता हूँ, शहर के लोग मेरे को पसंद भी करते हैं, और उनको ये भी पता है कि जो थारे हर बीमारी का इलाज राजवीर दहिया कर देगा कोई नहीं कर सकता। तो मुझे तो बताओ ये इस राजवीर दहिया के पास जो कि एक जाट कम्युनिटी से बिलोंग करता है, पिछड़े शहर पंजाबी नॉन जाट कैसे वोट दे? उनको पता है ये छत्तीस बिरादरी का आदमी है। आप के फादर हैं बहुत पुराने रहे हैं, आप पूछ के देखो उनसे भाई गोहाने में जब जब विपताई किसी भी समाज पर राजवीर दहिया कह रहा है, गोहाना में जब तो मेरा हल्का भी नहीं था, पक्का भरोसा 100% पक्का छोड़ो आप 100% ना 99 ना 101 100% 36 बिरादरी की वोट पड़ेंगे, 36 बिरादरी की 100%। बिल्कुल, ये तो थे हमारे साथ राजवीर सिंह दहिया जी जिन्होंने बताया कि इस बार जो है वो प्रदेश में किसी भी या ना बीजेपी को ना कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं आएगा, और कहीं ना कहीं जो निर्दलीय जो हैं उनका छौंक लगेगा सरकार में, और वो छौंक लगेगा वो किंग मेकर की भूमिका में निर्दलीय रहेंगे। अब कौन किंग बनेगा, किंग मेकर कैसे बनेंगे और किसकी सरकार प्रदेश में बनेगी, उसमें अहम भूमिका जो है वो निर्दलीयों की रहने वाली है। तो देखना होगा कि राजवीर सिंह दहिया की मेहनत पर गोहाना की जनता कितना मोहर लगाती है, और अभी तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, आने वाले समय में देखेंगे किस तरह का जन समर्थन जुटा पाते हैं और कितना जोर शोर से चुनाव चलेगा।